कौशल विकास योजना के तहत चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज और निट्रा द्वारा गरीब महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार देने का काम किया जाता है। इसी के तहत चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा गार्मेंट ट्रेनिंग प्रशिक्षण के सत्र समापन और प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन मंगलवार को गोरखनाथ स्थित उद्योग भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया, उपाध्यक्ष आर एन सिंह, उपाध्यक्ष आनंद अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण मोदी, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, रमेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े सदस्यों ने उद्योगपतियों के विभिन्न समस्याओं को वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला के समक्ष रखा, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने प्रशिक्षित महिलाओं और युवतियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के तरफ से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के सदस्यों को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें बधाइयां दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा, प्रवीण मोदी जी, सभी इंडस्ट्रीज अपने रिसोर्सेज से देखते हैं, सरकार की तरफ रास्ता निकालते हैं, उसमें लगता था कि भंडारा हो गया और यहां पूरी साफ तौर पर अगर ऐसा कार्यक्रम होता है तो भारत सरकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर रुचि नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री की जो सोच है वह इसी आधार पर हो कि अनुसूचित वर्ग के लोग जो कुछ नहीं जानते वो भी पढ़े, जनजाति के लोग वो भी पढ़े, महिलाएं जो केवल घरों में कैद होकर के रह जाती हैं उनको भी बढ़ाने की जरूरत है। भारत सरकार का कौशल विकास विभिन्न माध्यमों से लोगों के कौशल को विकास देने का काम करता है। भारत सरकार का एसएमई, मैं पिछले 3-4 वर्षों का बजट देखा भारत सरकार का, यही एसबी है जिसको बजट जो दिया जाता था उस बजट को भी पूरी तौर पर खर्च नहीं कर पाती थी एसबी। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री के रूप में कल्याण मिश्र जी रहे और जब उनके बजट को मैंने देखा तो एलोकेटेड बजट में भी भारत सरकार को और अधिक पैसा देकर के उस एसएमई को विकास देने की गति चालू करता। जब अधिकारी की सोच ये रहे कि नहीं हम बजट को भी अच्छी तरह से खर्च करेंगे और बजट मांगेंगे, मांग करके लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करेंगे और उसी का परिणाम था कि मुद्रा योजना के द्वारा एक और कार्यक्रम बैंकों का ही था जिसमें मैं गया था, लोगों ने जब अनुभव सुनाया जैसे आज बच्चियों ने आकर के तीनों बच्चियों ने सुनाया कि वो अपने घर बैठी रहती थी लेकिन सूक्ष्म लोन जो है मुद्रा का 50,000 रुपए, केवल 50,000 रुपए का वह लोन लेकर के भी स्थानीय उत्पाद जो होता है उस उत्पाद के आधार पर
एक दिन 400-500 रुपया कमाने का वो काम करती थी। मतलब ये है कि उन्होंने लोन लेकर के 50,000 रुपए का मुद्रा लोन लेकर के 400-500 रुपया कमाने की बात की, और आज तो बिना किसी प्रकार का लोन लिए भी ये बच्चियां इन लोगों के प्रयास से, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रयास से और नीट्रा के ट्रेनर के प्रयास से आज बिना किसी प्रकार का लोन लिए भी वह 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए कमाने की स्थिति में है। अगर उनके प्रशिक्षण का लेवल अच्छा रहा, वो अच्छी सिलाई करती रही, जैसे मैंने घूमते समय भी उसको देखते समय भी मैंने कहा इसमें इस सुधार की आवश्यकता है। उस सुधार में इस ट्रेनर को भी चाहिए कि उनके इसको सुधार को देखें, बच्चियों को जब बताएंगे कि नहीं इसमें ये सुधार की आवश्यकता है। हम मान लीजिए कहीं बातचीत करके जिलाधिकारी से और लोगों से बातचीत करके अगर ये कहा जाए कि नहीं इनको दिया जाए, उसमें भी इसकी आवश्यकता होगी कि कितनी अच्छी सिलाई। लड़का भी उन्हें पसंद करेगा कि मेरी कमीज की बटन ढीली है, मेरा सिला नहीं है, निकर सिला नहीं है, वो ठीक है। इस तरह से इस पर भी आप सभी लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, और तभी आप सभी लोगों को अपने घर पर बैठे हुए भी वह ग्राहक मिलेंगे जो अपने कपड़ों को ला करके आपको देंगे, हमारा कपड़ा सिल करके दो। ये 2 महीने की ट्रेनिंग करके बैठने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं समझता हूं कि अगर नीट्रा के उस अधिकारी ने जो इंडस्ट्री के लोगों को ये कहा कि 1,00,000-1,50,000 रुपए भी हम नहीं खर्च कर सकते हैं, आज जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जा रहे हैं अगर उनको अपना हाथ साफ करना है तो वह स्वयं भी आकर के प्रशिक्षण भी दे सकती है और अपने कार्य को अच्छी तरह से बना भी सकती है। विभाग के मंत्री श्री टांगा जी से मैंने कहा था, उन्होंने से आने की भी बात कही थी और सुरेंद्र जी ने शायद उनसे बात भी किया हो। आपका फोन उनका फोन आपको पहले दिया था, फोन दिया था आपको, मतलब कहीं कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैंने अपने सहयोगी को कहा था कि सूरज जी को ये नंबर बता दो, इस नंबर पर भी उनसे बात कर लेंगे, उस मिसकम्युनिकेशन में वो नहीं आ पाए, नहीं तो उनका आना हुआ हो। लेकिन शायद नीट्रा के उन होनहार अधिकारियों को ये लगा कि जब उनके विभाग का मंत्री आएगा तो ही अपनी प्रगति बता सकेंगे ताकि अपनी पीठ सब तपा सके। उनको शायद ये नहीं लगा कि मंत्री का दायित्व संयुक्त दायित्व, यह नहीं होता है कि विभाग के मंत्री होने के नाते ही, और यह बहुत गंभीर बात है। इस संदर्भ में मैं संदर्भित मंत्री और कैबिनेट मंत्री से भी बात करूंगा। लेकिन मैं चैंबर के इस कार्यों की सराहना करता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के सोच के वह अपना योगदान दे रहे हैं और एक दो नहीं, ठीक है ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का काम है पैसे कमाना, पैसे का उपयोग करना, लेकिन वहां बैठ करके अपने यहां
बिजनेस में लगे हुए लोगों को रोजगार देना एक अलग की बात है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हजारों लोगों को रोजगार देना या प्रधानमंत्री की नीतियों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं सुंदर समर्थ होकर के खड़े हो सके और खड़े होकर के अपना सीना तान करके कह सके, यह कमाई मेरे श्रम की कमाई है, मेरे परिश्रम की कमाई है, मेरे मेहनत की कमाई है, और मेहनत के कमाई का सुख बहुत अलग होता है। मित्रों, मुझे प्रसन्नता है एक अच्छे कार्यक्रम में मैं आया, इसकी अनुभूति लेकर के जा रहा हूं और उस अनुभूति के आधार पर जो भी संभव होगा वो करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की यह सोच धीरे धीरे लोगों में रंग ला रही है, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग भी और प्रतिभागी उनकी शुरू से सोच रही कि लोगों में रोजगार विकसित किया जाए। आज के पहले लोगों को नौकरी देने की बात आती थी, और जिस हद तक हमारी आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियां नहीं, तो शेष बेरोजगार रहेंगे तो उसका नुकसान होगा। इस नाते प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि रोजगार दिया जाए, तो रोजगार देने के क्रम में उन्होंने बैंकों से लोन देने की बात कही, मुद्रा लोन के द्वारा, और आज उसमें तीन प्रकार के एसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इन लोन के द्वारा लोगों का विकास हुआ। आज का अच्छा लगा कि 2 महीने के सिलाई के प्रशिक्षण के बाद लगभग 8,000-10,000 रुपए अगर वह महिलाएं जो अपने घर पर बैठी रहती हैं वह कमाती हैं, तो प्रधानमंत्री जी का सपना निश्चित रूप से पूरा होता हुआ दिखता है, और यही प्रसन्नता का विषय है। अभी प्रधानमंत्री आवास पर भी मुद्रा लोन पाने वाले लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया था। देश से 100 ऐसे लोग आए थे जिन्होंने ये बताया कि हमने, कोई किसी ने बताया कि हम 2 लोगों को अपने यहाँ रखे हुए नौकरी, किसी ने उससे अधिक भी बताया, और एक तो जयापुर गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि हमने धीरे धीरे इसको करते हुए आज हमारा वार्षिक टर्नओवर नहीं, पूरी तौर पर आमदनी की स्थिति 125 करोड़ रुपए हो चुकी वार्षिक। तो यही सबसे बड़ा लाभ है। मैं चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि निट्रा के लोगों से बात करके, जो कपड़ा मंत्रालय का एक संगठन है, और इस प्रकार का कार्यक्रम किया है। मैं कपड़ा मंत्रालय के लोगों से भी बात करूंगा, माननीय मंत्री जी से भी बात करूंगा, और बात करके इसको और अच्छा भव्य रूप दिया जा सके। मुझे लगता है कि इसे प्रधानमंत्री जी की जो लोगों को रोजगार देने की एक ललक है, उससे लोग रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। शासक का गुण यही होना चाहिए, उसको पूरे जीवन में जी रहे हैं और लोगों को भी जिलाने के लिए हर समय लगे रहते हैं, तो मैं इसके लिए शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी को अब इतना सरल किया जा चुका है कि अब जीएसटी पर कोई बात नहीं रुकाते हैं, बहुत सरल कर दिया है, और
अब जनता के भी दृष्टि से वह उपयोगी। कई चीजों पर तो ऐसा है जिस पर टैक्स ही नहीं रह गया, लेकिन कई चीजों पर 5% टैक्स रखा गया। 5% टैक्स अगर नहीं रखते तो वह ही न रखना ही नुकसान हो जाता उस ट्रेड के लिए। इस नाते जानबूझकर के वो 5% का रखा गया, 5% का टैक्स है, 12% का, 18% का, और कुछ चीजों पर कॉस्मेटिक इत्यादि पर 28% का। तो आज सब स्थितियों को देखते हुए टैक्स के इवेजन को भी हमने किया है, सरलीकरण इसमें भी किया है कि जो चार रूप पत्र देना पड़ता था, नक्शे भरने पड़ते थे, उसको सिंगल रिटर्न सिस्टम हमने कर दिया है कि महीने में 20 लाख तक के टर्नओवर को पूरी तौर पर जीएसटी से मुक्त रखा है। ये सब बातें जीएसटी में कर करके हमने लोगों को छोड़ दिया है और ये भारत सरकार की उपलब्धि।